नमस्कार इंडिया वॉइस पर स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ प्रियंका मिश्रा। बुलेटिन की करेंगे शुरुआत। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का तूफानी दौरा, आज पीलीभीत, बदायूं और बरेली का करेंगे दौरा। बीजेपी के प्रबुद्ध सम्मेलन को करेंगे संबोधित। सीएम योगी आदित्यनाथ। सीएम योगी का एक के बाद एक तूफानी दौरा। बीजेपी के प्रबुद्ध सम्मेलन को करेंगे संबोधित। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर भारतीय जनता पार्टी के तमाम बड़े नेता एक्टिव मोड में हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी लगातार ताबड़तोड़ तूफानी दौरे करते हुए उत्तर प्रदेश में नजर आ रहे हैं। उत्तर प्रदेश के मथुरा से प्रचार अभियान की शुरुआत करने के बाद आज पीलीभीत, बदायूं और बरेली में जनसभा को संबोधित करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। बीजेपी के प्रबुद्ध सम्मेलन में संबोधन देंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। सीएम योगी आदित्यनाथ का एक के बाद एक ताबड़तोड़ दौरा। उत्तर प्रदेश के बरेली, पीलीभीत और बदायूं में आज जनता के बीच पहुंचेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। लगातार लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर भारतीय जनता पार्टी का कार्यक्रम जोरों शोरों पर चल रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हर एक दिन लगभग 3 जिलों में जनसभा करते हुए नजर आ रहे हैं, लोगों से मुलाकात कर रहे हैं। प्रबुद्ध सम्मेलन के दौरान भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। पीलीभीत पहुंच चुके हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। आपको जानकारी दे दें, अब से कुछ ही देर में प्रबुद्ध सम्मेलन में लोगों को करेंगे संबोधित मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। आज उत्तर प्रदेश के 3 जिलों का दौरा करने वाले हैं। पीलीभीत, बदायूं और बरेली पहुंचेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। पीलीभीत से जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि मुख्यमंत्री पीलीभीत पहुंच चुके हैं, अब से कुछ ही देर में जनता को करेंगे संबोधित। सीएम योगी का एक के बाद एक ताबड़तोड़ दौरा। पीलीभीत पहुंचे सीएम योगी आदित्यनाथ, कुछ ही देर में जनता को करेंगे संबोधित। प्रबुद्ध सम्मेलन के दौरान प्रबुद्धजनों को संबोधित करते हुए नजर आएंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। लोकसभा चुनाव 2024 के मद्देनजर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का कार्यक्रम लगातार एक्टिव मोड में लगा हुआ है। उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों में पहुंचकर प्रबुद्ध सम्मेलन के द्वारा बीजेपी के कार्यकर्ताओं को संबोधित करते भारतीय जनता पार्टी लगातार अपने चुनावी दौरे को आगे बढ़ा रही है और भारतीय जनता पार्टी की जीत का अंतर बढ़ाने के लिए भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देशन में, उनके नेतृत्व में काम करता हुआ नजर आ रहा है। तो जानकारी दे दें आपको कि खबर है कि मुख्यमंत्री पीलीभीत पहुंच चुके हैं, अब से कुछ ही देर में जनता को संबोधित करेंगे और उसके बाद बरेली और बदायूं दौरे पर भी आज मुख्यमंत्री पहुंचेंगे, प्रबुद्ध सम्मेलन को करेंगे संबोधित। मथुरा से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने चुनावी अभियान की शुरुआत की है। मथुरा में प्रबुद्ध सम्मेलन को संबोधित करने के बाद मुख्यमंत्री का लगातार ताबड़तोड़ दौरा बना हुआ है। और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की बात करें तो स्टार प्रचारकों में नाम शुमार किया जाता है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का, जिस तरह की लोकप्रियता है। और इसी खबर पर हमारे साथ बरेली से संवाददाता सनी गोस्वामी लाइव जुड़ चुके हैं। जी सनी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जिस तरह से आज बरेली पहुंचने वाले, पीलीभीत हालांकि पहुंच चुके हैं, क्या कुछ तैयारियां आपको बरेली में नजर आ रही हैं? मैं आपको बता दूं, जो मुख्यमंत्री है, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री है, उनका लगातार दौरा जो लोकसभा चुनाव को लेकर है, वो लगातार दौरा पूरे प्रदेश में लगातार जारी है। जिसको लेकर आपको बता दें कि आज पीलीभीत, बदायूं और बरेली में जो रोहिलखंड है उसमें आज उनकी रैलियां हैं, 3 रैलियां हैं, जिसको लेकर वो यहाँ पे जनता की नब्ज टटोलेंगे और यहाँ पे प्रचार के लिए पूरी तरह से जान लगा देंगे। वही आपको बता दें कि बरेली जो की बीजेपी का गढ़ माना जाता है, जिसमें पहली बार यहाँ से 8 बार के सांसद संतोष कुमार गंगवार का इस बार टिकट काटकर छत्रपाल गंगवार को टिकट दिया है, तो कुछ यहाँ पे मनमुटाव भी देखे गए हैं। उसको लेकर भी आज जब वो यहाँ पे आएंगे तो उस रैली के बाद में ये देखा जाएगा, जब प्रबुद्ध सम्मेलन करेंगे तो जिसकी नेताओं के बीच में जो मिसअंडरस्टैंडिंग है उसको भी सही करने की कोशिश करेंगे। वही आपको बता दें, बरेली जो है वो एक तरह से यहाँ पे सुरक्षित सीट बीजेपी की मानी जाती है, क्योंकि यहाँ पे जो पिछले जो प्रत्याशी थे वो 8 बार यहाँ से जीते हैं, यहाँ पे लगातार काफी सालों से 2-3 दशक से लगातार यहाँ से सांसद रह चुके हैं। वही आंवला की बात करें तो वहाँ पे भी 2 बार
प्रत्याशी जीत गए हैं जो धर्मेंद्र कश्यप है उनको बीजेपी ने 75 सीट तीसरी बार करा है। तो यहाँ पे कोशिश की जा रही है बीजेपी की तरफ से कि ये दोनों सीट है, ये दोनों सीटों पर फिर से इनके दोनों प्रत्याशी जीते और उज्जोली में जीत करें। जी बिल्कुल सनी, आप बने रहिएगा हमारे साथ। हमारे साथ बदायूं से संवाददाता विजय कुमार भी लाइव जुड़ चुके हैं। जी विजय, जिस तरह से पीलीभीत और बरेली के अलावा बदायूं भी आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचने वाले हैं, प्रबुद्ध वर्ग को संबोधित करेंगे, क्या कुछ तैयारियां हैं? और साथ ही साथ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की बात की जाए तो कितना जोश आज मुख्यमंत्री के आगमन पर दिखाई दे रहा है? देखिए, जिस तरह से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आज बदायूं दौरे को लेकर के तमाम प्रशासनिक तैयारियां भी जोर शोरों से है। और जो भाजपा अगर कार्यकर्ताओं की बात की जाए तो कार्यकर्ताओं ने भी जो चुनावी जोश है उसको लेकर के तमाम तैयारियों में जुटा हुआ है। आज देखिए बदायूं में योगी जी का जो प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन है उसमें तमाम वर्गों से जो प्रबुद्ध जनों को उसमें इन्वाइट किया गया है। अगर बदायूं की बात की जाए तो देखिए बदायूं के साथ साथ उन्नाव साहिबगंज की भी दो विधानसभा बदायूं लोकसभा में लगती है और यहाँ पर जो योगी आदित्यनाथ अगर लोकसभा चुनाव की बात की जाए तो यहाँ पर दुर्विजय सिंह ठाकुर जो की दृढ़ क्षेत्र के क्षेत्रीय अध्यक्ष भी हैं उनको यहाँ पे प्रत्याशी बनाया गया है। हालांकि अगर समाजवादी पार्टी की बात की जाए तो यहाँ पर देखिए सपा के एक बड़ा चेहरा शिवपाल सिंह यादव को यहाँ पर प्रत्याशी बनाया गया। तो कहा जाए कि बीजेपी कोई भी अपना जो है कभी नहीं छोड़ना चाहती, प्रबुद्ध जनों को साधने के चलते जो है वो यहाँ पर प्रबुद्ध सम्मेलन कर रही है। और क्योंकि देखिए अगर दुर्विजय सिंह की अगर बात की जाए तो देखिए शिवपाल सिंह एक बड़ा चेहरा भी है और कैसे बदायूं की सीट को बचाया जाए इस पर पूरे बीजेपी पूरा मंथन करने पे जुटी है, जिसको लेकर के आज प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन बीजेपी कर रही है जिसमें उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भाग ले रहे हैं। जी बिल्कुल विजय, प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन की बात करें तो जिस तरह से संबोधित करते हुए नजर आएंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, कितनी भारी संख्या में लोग प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन में आज सम्मिलित हो सकते हैं? देखिए इसमें जो प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन में जिस तरह से देखिए यहाँ पर विशेष रूप से डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर, प्रधानाचार्य, कॉलेज प्रबंधक, कवि, साहित्यकार, उत्कृष्ट सदाधिकारी या अधिवक्ता, खिलाड़ी, चार्टर्ड अकाउंटेंट तो प्रबुद्ध वर्ग है जिनमें से उसको साधने का काम आज योगी जी करेंगे। और क्योंकि बदायूं में लगभग 1000 की संख्या रहेगी जिसमें प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन में योगी जी संबोधित करेंगे, ज्यादा बड़ी संख्या नहीं रहेगी क्योंकि प्रबुद्ध जनों का सम्मेलन है तो उसमें जो है व्यवसायी और डॉक्टर जो भी वकील हैं इन लोगों को ही वहाँ इनवाइट किया गया है, इनको निमंत्रण पहले ही दे दिया जा चुका है और यही लोग पहुंचेंगे, इन्हीं के साथ जो है योगी जी वार्ता करेंगे और प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन को साधेंगे। जी बिल्कुल, बने रहेगा हमारे साथ। हमारे साथ सनी भी लगातार बने हुए हैं। सनी, जिस तरह से बदायूं की बात करें तो प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन को संबोधित करेंगे, आप जहां पर हैं वहां पर भी मुख्यमंत्री वहां पहुंचेंगे, पीलीभीत पहले ही पहुंच चुके हैं, क्या लग रहा है आपको प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन की बात की जाए तो कितनी भारी संख्या में लोग पहुंचेंगे और उसका कितना बड़ा असर लोकसभा सीट पर पड़ता हुआ आप देख पा रहे हैं? जी फ्रेंड, मैं आपको बता दूं कि जो बरेली में प्रबुद्ध सम्मेलन जो मुख्यमंत्री करने आ रहे हैं उसको लेकर जो जाती है, कैंट आती है, शहर की आती है, नवाबगंज आती है और गोजीपुर आती है, सभी जितने भी विधानसभा है उनके प्रभारियों को, उनके जनप्रतिनिधियों को ये जिम्मेदारी दी गई है कि अपने क्षेत्र से, अपने जो विधानसभा क्षेत्र है वहां से बड़ी तादाद में लोग यहाँ से इकट्ठा होकर वहां पे जाए, जहाँ पे इंटर कॉलेज में, बरेली इंटर कॉलेज में जहाँ पे मुख्यमंत्री की जहाँ पे रैली है, जिसको लेकर यहाँ पे बताया जा रहा है कि काफी हजार की तादाद से लोग यहाँ पे पहुंचेंगे और मुख्यमंत्री को सुनेंगे। वही मुख्यमंत्री भी यहाँ की जो बरेली की जनता है उसकी नब्ज टटोलेंगे और वो देखेंगे, क्योंकि आपको बता दें बरेली की जो सीट वाली जाती है वो पूरी तरह से बीजेपी की ही सीट वाली जाती है, लेकिन अभी यहाँ पे बसपा ने अपने पत्ते नहीं खोले हैं। वही सपा ने जो 2009 में जो हराने वाले बीजेपी प्रत्याशी को प्रवीण सिंह एरन है, वही गठबंधन ने जो सपा की तरफ से जो प्रत्याशी है प्रवीण सिंह एरन को यहाँ पे कैंडिडेट बनाया है। अब देखने वाली बात यह है कि लोगों की ये जो निगाह है वो बसपा के ऊपर है कि बसपा कौन सा प्रत्याशी बरेली से खड़ा करती है, जिसको लेकर समीकरण पूरी तरह से पता करे जाएंगे कि लोकसभा सीट में क्या होगा। लेकिन वही बात करें बीजेपी की तो बीजेपी अभी पूरी तरह से कुछ बटी हुई नजर आ रही है, उसको लेकर ये बताया जा रहा है कि आज जो रैली होगी उसके बाद में सारी स्थितियां क्लियर हो जाएंगी और बीजेपी पूरी तरह से चुनाव में कूद जाएगी। जी बिल्कुल, बरेली में सनी बीजेपी की तैयारियों को लेकर बात करें तो मुख्यमंत्री जिस तरह से पहुंच रहे हैं कार्यकर्ता बेहद उत्साहित नजर आ रहे हैं, लेकिन इंडिया गठबंधन और एनडीए के बीच में तैयारियों की बात की जाए तो क्या कुछ अंतर आप देख पा रहे हैं?
जी मैं आपको बता दूं कि जो प्रत्याशी है, जैसे ही बीजेपी के प्रत्याशी घोषित हुए थे तो उसके बाद में इंडिया गठबंधन की तरफ से थोड़ी सी जो सरगर्मियां है वो तेज हुई थी, क्योंकि आप जो संतोष कुमार गंगवार है वो पूरी यहाँ से महारत हासिल है, उनकी राजनीति यहाँ पे बहुत पूरे क्षेत्र में मानी जाती है, जिसको लेकर उनका जब टिकट काटा गया, छत्रपाल जो पूर्व मंत्री है प्रदेश सरकार के उनको टिकट दिया गया, तो उसके बाद में एक मतलब तेजी देखी गई गठबंधन प्रत्याशी की तरफ से। लेकिन अब जैसे देखा जा रहा है जितने दिन इलेक्शन के पास आ रहे हैं वही बीजेपी अब धीरे धीरे करके अपना ग्राफ बढ़ाती जा रही है और वही जो उससे नाराज लोग हैं उसको अपना करती जा रही है। वही आज का जो 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 सम्मेलन है और जो यात्रा यहाँ पे आ रहे हैं मुख्यमंत्री, उसके बाद में ये लगाया जा रहा है कि मुख्यमंत्री यहाँ पे जो नेताएं हैं और जो कार्यकर्ता है उनको जोश भर के जाएंगे, वही बीजेपी पूरी तरह से यहाँ पे लड़ेगी और ये अच्छी चीज मानी जा रही है बीजेपी के। जी बिल्कुल, विजय भी हमारे साथ लगातार बदायूं से बने हुए हैं। विजय, बदायूं की बात की जाए तो कितना कड़ा मुकाबला आप देख पा रहे हैं, क्योंकि इस सीट पर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भी तैयारियां जोरों शोरों पर की जा रही है, लेकिन समाजवादी पार्टी की भी अच्छी पकड़ लंबे समय से इस सीट पर रही है। क्या लग रहा है आपको, कितना कड़ा मुकाबला इस बार देखने को मिलेगा? देखिए, अगर बदायूं की बात की जाए तो हालांकि बहुत लंबे समय से यहाँ पे समाजवादी का गढ़ कहा जाता है, जिसको लेकर के 2019 में देखिए बीजेपी के संघमित्रा मौर्य ने यहाँ पर सांसद धर्मेंद्र कश्यप सपा के एक बड़े चेहरे भी गिने जाते हैं, उनको माफ देकर के यहाँ पर जीत हासिल की थी। अब किसको लेकर के देखिए समाजवादी पार्टी ने यहाँ पर शिवपाल यादव, जो कि समाजवादी पार्टी के एक बड़े चेहरे भी हैं और उनकी उनसे टक्कर देने के लिए यहाँ पर क्षेत्रीय अध्यक्ष जो है दुर्विजय सिंह साकू को उतारा गया है। अब इसके इसको लेकर के बीजेपी हर कोई हर उस तैयारी में जुटी हुई है, हर कार्यकर्ता तक जा रही है और अपने कार्यकर्ताओं को इस चुनाव के लिए लगा दिया है। कहीं आने वाले समय में बीजेपी कोई अपनी कसर न छोड़ेगी, क्योंकि देखिए जो यहाँ पर मुकाबला है वो एक बड़ा चेहरा समाजवादी पार्टी के कहा जाए तो शिवपाल सिंह यादव के साथ है और यहाँ पर ब्रज क्षेत्र के अध्यक्ष जो है दुर्विजय सिंह साकी को यहाँ पर प्रत्याशी बनाया गया है। तो देखिए बदायूं की अगर सीट की बात की जाए तो देखिए दोनों में बहुत कड़ा मुकाबला है और बीजेपी भी कोई कसर नहीं छोड़ रही है। हालांकि देखिए समाजवादी पार्टी लगातार जनसंपर्क में लगी हुई है, उसके अभी 2 दिन के दौरे पर धर्मेंद्र यादव भी यहाँ अपने चाचा के साथ यहाँ की जनता को साधने का काम किया था। इसको लेकर के देखिए बीजेपी भी लगातार हर कार्यकर्ता को अपने साथ जी बिल्कुल बने रहेगा विजय हमारे साथ। हमारे साथ पीलीभीत से संवाददाता अमित पाल भी लाइव जुड़ चुके हैं। जी अमित, पीलीभीत को लेकर जिस तरह से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज पहुंच रहे हैं, पीलीभीत पहुंच चुके हैं, आपसे कुछ ही देर में प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन को संबोधित करते हुए भी नजर आएंगे, क्या कुछ ताजा अपडेट है? जनता का हजूम लग चुका है, जनता इस बार देख रही है। इस टाइम भाषण देते हुए पीलीभीत से योगी आदित्यनाथ हमारे पीछे आपको दिखाई दे जा रहे हैं, क्योंकि पीलीभीत में वो टाइम से पहुंच चुके हैं और अच्छी तरह से प्रसन्न संबोधित कर रहे हैं इस टाइम। जी बिल्कुल, तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वहां पर पहुंच चुके हैं, प्रबुद्ध वर्ग को संबोधित करते हुए नजर आ रहे हैं और लगातार जिस तरह से मुख्यमंत्री का ताबड़तोड़ दौरा उत्तर प्रदेश में अलग अलग जगहों पर चल रहा है, 3 जिले रोज कवर किए जा रहे हैं मुख्यमंत्री के द्वारा, आज पीलीभीत, बदायूं और बरेली में मुख्यमंत्री पहुंचे हैं, प्रबुद्ध वर्ग को संबोधित करेंगे। पीलीभीत में जिस तरह से हमारे संवाददाता ने जानकारी दी कि मुख्यमंत्री वहां पर पहुंच चुके हैं, जनसभा को संबोधित कर रहे हैं, आपको बता दें कि लगातार पीलीभीत के बाद बदायूं और बरेली भी पहुंचेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। और इसी बीच आइए आपको सीधे लिए चलते हैं पीलीभीत, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन को संबोधित करते हुए नजर आ रहे हैं, सुनिए। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्रिमंडल के मेरे वरिष्ठ सहयोगी लोक निर्माण विभाग के मंत्री और पीलीभीत लोकसभा क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी श्री जितिन प्रसाद जी, प्रदेश सरकार में ही मेरे मंत्रिमंडल के सहयोगी और इसी पीलीभीत से विधायक श्री संजय गंगवार जी, भारतीय जनता पार्टी के जिला के अध्यक्ष श्री संजय प्रताप सिंह जी,
भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के उपाध्यक्ष विधान परिषद सदस्य श्री संतोष सिंह जी, विधान परिषद सदस्य श्री रजनीकांत माहेश्वरी जी, उत्तर प्रदेश सरकार के पूर्व मंत्री और इस क्लस्टर के इंचार्ज श्री सुरेश राणा जी, माननीय सांसद राज्यसभा श्री मिथिलेश कुमार जी, माननीय विधान परिषद सदस्य सुधीर गुप्ता जी, माननीय विधायक गण श्री बाबूराम पासवान जी, स्वामी प्रवक्तानंद जी, श्री विवेक वर्मा जी, पूर्व मंत्री डॉक्टर विनोद तिवारी जी, आज के हमारे जिला पंचायत के अध्यक्ष और अन्य हमारे पूर्व पदाधिकारीगण, पूर्व विधायकगण, चेयरमैन और अन्य ब्लॉक प्रमुखगण भारी संख्या में आज के इस प्रबुद्ध सम्मेलन में उपस्थित, पीलीभीत संसदीय क्षेत्र से जुड़े हुए सभी उपस्थित बहनों और भाइयों, मैं आज के इस पावन धरा पर जो उत्तर प्रदेश की एक सबसे उर्वरा भूमि में से एक है और आदि गंगा मां गोमती का जो उद्गम स्थल है, ऐसे पीलीभीत इस पावन धरा को नमन करते हुए आप सभी प्रबुद्ध जनों का मैं हृदय से अभिनंदन करता हूं। पीलीभीत हमारे लिए इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाता है, एक ओर यहां पर अपने परिश्रम और पुरुषार्थ से तराई के क्षेत्र में यहां की उर्वरा भूमि में सोना उगलने का कार्य करने वाले हमारे अन्नदाता, और दूसरी तरफ यहां की बांसुरी की मधुर धुन के साथ कृष्ण कन्हैया का स्मरण कराने वाले यहां के हस्तशिल्पी, इन दोनों का एक अद्भुत संयोग पीलीभीत के लिए हमारे लिए बन जाता है। एक तरफ यहां टाइगर की हुंकार होती है और दूसरी तरफ बांसुरी की मधुर तान भी यहां सुनने को मिलती है, और इसीलिए जब पीलीभीत की बात आती है तो हम बार बार कहते हैं कि वहां के अन्नदाता किसानों के लिए भी, वहां के युवाओं के लिए भी और वहां के समग्र समाज के विकास के लिए जितना कुछ भी हो पाएगा वह सरकार करेगी, इसमें कोई कोताही नहीं होनी चाहिए। बहनों भाइयों, हमने बदलते हुए भारत को देखा है, हमारी पीढ़ी इसके लिए अपने आप को सौभाग्यशाली मानती है, क्योंकि आपने 2014 के पहले के भारत को भी देखा है और 2014 के बाद के भारत को भी। 2014 के पहले का वह भारत जहां अविश्वास था, जहां पे अराजकता थी, जहां पर देश के बारे में कोई सोच नहीं थी, पूरे देश के अंदर आम जनमानस के मन में सरकार के प्रति भी, सत्ता के प्रति भी और राजनीतिज्ञों के प्रति भी विश्वास नहीं रह गया था, वह एक भारत था। स्वाभाविक रूप से जब अपने देश के लोग सम्मान नहीं दे रहे हैं तो दुनिया के लोगों ने भी सम्मान देना बंद कर दिया था। एक भारत था जहां पर अन्नदाता किसान आत्महत्या कर रहा था, युवा क्राइम कर रहा था, देश के अंदर कहीं उग्रवाद था, कहीं नक्सलवाद था, आपस में जातीय वैमनस्यता की खाई इतनी चौड़ी थी कि कोई व्यक्ति अपने आप को सुरक्षित नहीं महसूस करता था।
और उत्तर प्रदेश के बारे में तो कहना ही क्या, यहाँ दंगा होता था, कभी सहारनपुर में सिख विरोधी दंगे हुए थे, कभी मुजफ्फरनगर में, कभी बरेली में, कभी बहेड़ी में, कभी मुरादाबाद में, कभी लखनऊ में, कोई कस्बा, कोई नगर, कोई जनपद नहीं बचा था जहां दंगे और कर्फ्यू की कहर लोगों ने न सहज की। ये उत्तर प्रदेश की पहचान थी, बेटियां सुरक्षित नहीं थी, व्यापारी सुरक्षित नहीं था, उद्यमी पलायन कर रहा था। ये 2014 के पहले के भारत और पहले के उत्तर प्रदेश की स्थिति थी। आज 2024 में जो हम है, दुनिया के अंदर भारत का सम्मान बढ़ा है, दुनिया के अंदर जो भारतीय रहता है आज बड़े गर्व से कहता है कि मैं भारत का निवासी हूं। लोग पूछते हैं कौन पाकिस्तान से, तो लोग कहते हैं हम उस भारत के निवासी हैं जिसको दुनिया का सबसे लोकप्रिय राजनेता श्री नरेंद्र मोदी जिस देश को नेतृत्व दे रहे हैं। हर भारतवासी गौरव के साथ आज प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में दुनिया में सम्मान प्राप्त कर रहा है, तो सीमाएं हमारी सुरक्षित हैं, पूरी तरह सुरक्षित हैं। कश्मीर में आतंकवाद समाप्त, पूर्वोत्तर के राज्यों का उग्रवाद समाप्त, नक्सलवाद समाप्त, अब देश के अंदर सुरक्षा का एक बेहतर वातावरण है। अब अन्नदाता आत्महत्या नहीं करता है, अन्नदाता अब उत्कर्ष की चरमता की ओर पहुंचने के लिए तैयार है। नौजवान प्लान नहीं करता है, आज का नौजवान स्वयं का स्टार्टअप स्थापित करता है। आज कोई बेटी अपने आप को असुरक्षित महसूस नहीं करती है, बल्कि अब वह फाइटर पायलट बनकर के भारत की सुरक्षा का सिंहनाद करने के लिए अपने आप को तैयार करती है। बहनों भाइयों, यह बदले हुए भारत की तस्वीर है। और उत्तर प्रदेश में तो उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था है चुस्त दुरुस्त, क्योंकि उत्तर प्रदेश के अंदर है अपराधी और माफिया पस्त, हमने इसको पस्त किया। तो उत्तर प्रदेश में बेटी और व्यापारी के साथ साथ पूरा उत्तर प्रदेश दंगा से मुक्त हो गया, दंगा से मुक्त हो गया। जो कार्य कभी नहीं हो पाया था मोदी जी के 10 वर्ष के कार्यकाल के अंदर, हमने उत्तर प्रदेश के अंदर उन कार्यों को जमीनी धरातल पर और देश के अंदर जमीनी धरातल पर होते हुए देखा है। एक नए भारत का हम दर्शन कर रहे हैं, एक ऐसा भारत जिसमें सुरक्षा भी है तो समृद्धि भी है, जिसमें नौजवान के लिए आजीविका है तो आम जन की आस्था के लिए सम्मान भी है, जहां पर कर्फ्यू तो पूरी तरह बंद हुआ है लेकिन कावड़ यात्रा धूमधाम से ले जाने की तैयारी भी चल रही है। और भाइयों, ये उत्तर प्रदेश और देश आज अपनी विरासत और विकास की एक नई यात्रा के साथ आगे बढ़ रहा है। याद रखना, विरासत को विस्मृत करके कोई देश एक लंबी यात्रा आगे तय नहीं कर सकता। आज भारत अपनी विरासत और विकास दोनों में बेहतर समन्वय बनाकर के कार्य कर रहा है। आज उसी का परिणाम है, हाईवे बन रहे हैं, रेलवे की बेहतर कनेक्टिविटी हो रही है, मेट्रो लाइन बिछाए जा रहे हैं, आईआईटी, आईएम, ट्रिपल आईटी, एम्स जैसे संस्थान बन रहे हैं, वन डिस्ट्रिक्ट वन मेडिकल कॉलेज के लक्ष्य को प्राप्त किया जा रहा है। आपका पीलीभीत जनपद भी तो वन डिस्ट्रिक्ट वन मेडिकल कॉलेज के कारण आज मेडिकल कॉलेज प्राप्त किया है। और भाइयों, पीलीभीत में मेडिकल कॉलेज हो ये सपना था, लेकिन आज ये सपना साकार।
ठीक से सुन पा रहे थे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। नमस्कार।